रहता का उल्टा चश्मा। डॉक्टर साहब, आपने पुलिस को 5 मिनट रुकने के लिए क्यों कहा? बताता हूँ। मास्टर, हाथ दिखाओ। रुको, एक मिनट। ये होली के रंग कहाँ पे है? ये देखो यहाँ। हंस, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें भी खुजली होगी। हाँ, डोंट वरी कोमल, मुझे कुछ नहीं होगा। मास्टर, कुर्ता निकालो। क्यों? ये हाथी भाई क्या कर रहे हैं? पता नहीं, देखते हैं। मतलब अरे भाई भिड़े, तू अपने सवाल कैंसिल कर भाई। हाथी भाई डॉक्टर है, जो बोल रहा है वो कर ना। कोमल। हाँ हाँ, माधवी भाभी, आप बड़े मास्टर के लिए टॉवेल और नए कपड़े ले आएंगे प्लीज? हाँ हाँ, आंटी। अब्दुल, तुम जरा गार्डन से मिट्टी ले आओगे? हाँ, अभी लाया। मिट्टी? मिट्टी। क्यों? देखता जा, पता चल जाएगा। तुम कुर्ता उतारो बड़े मास्टर, उतारो। कपूर सेना, तुम आगे आओ और बड़े मास्टर के साथ पानी से होली खेलो। बच्चों, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। आओ, पिचकारी में पानी भरो और भिड़े मास्टर को पानी से नहला दो। चलो चलो, जल्दी जल्दी। नटू काका, ये हाथी भाई करना क्या चाहते हैं? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये? हाँ, आ जा। पानी मारो, पानी मारो। इनको बहुत मजा आ रहा है ना तब तो। चलो बेटे मास्टर, ये मिट्टी को अपने बदन पे लगाओ, जैसे हम साबुन लगाते ना, उसी तरह। आ, 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 लगाओ लगाओ मिट्टी। करो ना बेटे मास्टर, तुम्हें मुझ पे विश्वास है कि नहीं? हाँ है। तो फिर लगाओ, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे करो। डॉक्टर आदि क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ, मैंनू लगता है ये क्या कोई देसी इलाज है। अच्छा? हाथी भाई को जबरदस्त नया इलाज कर रहे हैं। बच्चों, अब फिर से पिचकारी से पानी मारो। जल्दी करो, पुलिस को दूसरा भी काम है, इसी में हम लगे रहेंगे क्या? आप निकलो ना। क्या निकलो, अभी तो सॉल्व नहीं हुआ है केस। भिड़े मास्टर, तुम मेरे घर जाओ और अपने कपड़े चेंज कर लो। परमेश्वरा, इनकी खुजली चली गई हो तो अच्छा। डोंट वरी माधवी भाभी, सब ठीक होगा। लेकिन जल्दी। हाथी भाई।
हाथी भाई, हाथी भाई, खुजली चली गई। अरे खुजली चली गई, खुजली चली गई। कमाल, इस देश की मिट्टी में बहुत ताकत है। बोलो हाथी भाई आंसर। क्या बात है हाथी भाई, आपने तो कमाल कर दिया। मैं तो जैसे इलाज किया। थैंक यू हाथी भाई, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम माझी भाभी। करस करस, लक्ष्य लक्ष्य। थैंक यू हाथी भाई, आपने मेरी खुजली ठीक कर दी। आप सही मौके पे आए और मेरी परेशानी दूर कर दी। वीडियो मास्टर, मुझे थैंक यू नहीं, टप्पू को सॉरी कहो पहले। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये खुजली टप्पू के लाए हुए रंग से नहीं हुई है। तो? तुमने बॉडी पे कोई ऑयल लगाया था ना? हाँ, क्योंकि मुझे शक था कि टप्पू से ना पक्का कलर लेके आएगी। क्या है, ऑयल लगाऊंगा तो वो कलर निकालने में आसानी होती है ना। कौन सा ऑयल लगाया था? वो जिससे मालिश करते ना, वो ऑयल। अपने मालिश वाला तेल यूज किया था? हाँ। लेकिन वो बोतल तो मैंने कब के फेंक दी थी। हाँ, लेकिन उसपे ऑयल बचा हुआ था इसलिए मैं वापस रख दी थी बोतल। कुशाला, एक्सपायर्ड तेल था वो, इसीलिए तो फेंक दी थी मैंने। हाँ? भिड़े भाई वेस्ट में से बेस्ट बनाना चाह रहे थे। बेस्ट? तो बस उसी ऑयल से तुम्हें खुजली हुई है। अरे लेकिन ऑयल की वजह से खुजली कैसे हो सकती आती भाई? भिड़े मास्टर, मैं डॉक्टर हूँ और मैंने ऐसे कई सारे केस देखे हैं। और ये जो एलर्जीज होती है ना, उस पर मैंने स्पेशल रिसर्च की हुई है। ओ, 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 ओ। वो पुराना ऑयल शायद बिगड़ गया था। आती भाई, माना कि वो ऑयल एक्सपायर हो गया था, लेकिन आप कंफर्म कैसे कह सकते कि मुझे खुजली जो हुई है वो कलर की वजह से नहीं हुई, ऑयल की वजह से हुई है? अरे क्योंकि वो डॉक्टर है, समझता ही नहीं। भिड़े मास्टर, वो रंग खुद मैंने अपने हाथों पे लगाया पर मुझे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो रंग में खुजली नहीं है। जो आता आता क्या है? टप्पू को सॉरी तो बोल। टप्पू बेटा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। इट्स ओके भिड़े अंकल। और पांडे जी, सॉरी मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। अरे नहीं नहीं, पांडे जी को क्यों सॉरी बोल रहे, वो तो ऐसे राउंड मारने निकले थे ना। ए जेठालाल, राउंड मारने नहीं, राउंड पे निकला हूँ। दोनों में क्या फर्क है? लंच करके जो ऐसा ऐसा वॉक करते हैं ना, उसको राउंड मारना बोलते हैं जेठालाल। और जब हम अपने इलाके में राउंड पे निकलते हैं, उसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लंच करते हैं, उसको बोलते हैं राउंड पे निकलना, समझे जेठालाल? और मास्टर जी, आइंदा जरा तेल चेक करके अपने बदन पर लगाया करो, नहीं तो आइंदा कभी गोकुल धाम से किसी ने फोन किया कि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कहना पड़ेगा तेल लगाने जाओ। ए पाटिल, टायर चेंज हुआ कि नहीं? आई एम टायर्ड नाउ। जी हो गया सर। हैप्पी होली। हैप्पी होली, मुबारक हो। चलो पांडे जी, ओके। अरे तुम, सॉरी। अरे स्टार्ट करो। हे भगवान, एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे गोकुल धाम पे पहाड़ जैसी मुसीबत आ गई। लेकिन बादल की तरह पल भर में मुसीबत चली भी गई। ये सारा टेंशन भीड़े की वजह से ही हुआ था। खुद ये पुराना तेल लगा कर आया शरीर पर, जिसकी वजह से खुजली हुई और इल्जाम टप्पू पे लगा दी। भिड़े, आज होली वाले दिन तूने हम सबकी दुनिया हिला दी। और नहीं तो की
हाँ भाई, सभी सोसाइटी वाले और खासकर टप्पू चाचा जी और जेठालाल, आप तीनों को मेरी वजह से जो परेशानी हुई उसके लिए आई एम रियली सॉरी। भिड़े अंकल, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, आज होली है। हाँ भिड़े, हम अगर बार बार कहते हैं ना कि गलत होगा तो गलत ही होता है, इसलिए हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। बी पॉजिटिव। नहीं नहीं, बराबर है सोड़ी, बिल्कुल बराबर है। अच्छा आदि भाई, मेरे मन में एक सवाल है कि वो एक्सपायर्ड ऑयल लगाने के बाद मुझे खुजली शुरू हुई, तो तुरंत क्यों नहीं हुई, वो कलर लगाने के बाद ही क्यों शुरू हुई? भिड़े मास्टर, जरूरी नहीं है कि हर चीज का असर तुरंत हो। जैसे हम दवाई खाते हैं तो उसका असर कैसे धीरे धीरे होता है, उसी तरह हो सकता है कि जब तुम्हें ये पानी और रंग लगा तब खुजली होना स्टार्ट हुआ हो। सही बात है। लेकिन हाथी भाई, पहले आपने भिड़े को मिट्टी लगवाई, उसके बाद नहलाया, तो आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि ये सब कुछ रिएक्शन तेल की वजह से हुआ? हाँ, वो मिट्टी लगाने के बाद ही क्यों? जब तक मैं 100% श्योर ना हूं ना, तब तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता। वाह। हाँ लेकिन हाथी भाई, साबुन की जगह मिट्टी क्यों? कीड़े भाई, सवाल जवाब छोड़िए ना, जल्दी से होली खेलते हैं। हाँ हाँ बीड़े भाई, बावरी जी होली खेलने के लिए कब से बेचैन हो रही हैं। ओए होली खेलने के लिए तो हम भी बेचैन हैं। अरे चलो चलो भाई, अभी चर्चा छोड़ो, होली खेलते हैं। मैं फटाफट चेंज करके आता हूँ। कोई छुट न जाए, कोई बचने न पाए, यह है रंगों का संसार, सबको भिगाओ मेरे यार। बड़ा मस्त ये त्योहार आज होली है यार, बड़ा मस्त ये त्योहार आज होली है, ये रंगों की होली, उमंगों की होली, हम मस्तों की टोली आज खेलेंगे होली। अरे अरे रुक जाओ गोली, अरे रुको, अरे मत डालो रंग, बुरा न मानो, हम खेलेंगे होली। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, थोड़ी होगी ठिठोली हम खेलेंगे होली, थोड़ी होगी ठिठोली हम खेलेंगे होली, बड़ी मस्ती में ये टोली है, टप्पू सेना की होली है। कैमचो मजामा आयो, वणक्कम अस्सलाम वालेकुम, ओए होए होए, ओ बल्ले बल्ले, कस काए परा काए, भाई खम्मा घणी, अरे राम राम सा, तुम्ही ठीक आछो? अरे मजा मजा। अलग अलग बोली, अलग अलग बोली, गो गुण धाम मिल कर खेले होली, बड़ा मस्ती ये त्योहार आज होली। खेल दिल से खेल, झूम के खेलो सारे दिल से खेल, मन के धो डालो सारे मैल और खेलो होली के खेल, खेलो ए खेलो, रंग डालो ए खेलो, हर ढोल बजाओ मृदंग बजाओ, साथ साथ नाचो और साथ साथ गाओ, भिगाओ मेरे यार, बड़ा मस्ती त्योहार आज होली है यार, बड़ा मस्ती।
या टप्पू, आज की होली हमारे लिए मजा और सजा दोनों थी, और खासकर तेरे लिए। भिड़े अंकल के निशाने पर आ गया था तू। हाँ, लेकिन उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हाँ, लेकिन उनके मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में टप्पू सेना पर बिल फटा ना, और खासकर तेरे पे बिल फटा। तेरी गलती भी नहीं थी। अरे गोली, कभी कभी ऐसा होता है, तू माइंड मत कर, वो हमसे बड़े हैं। मैं माइंड नहीं कर रहा, लेकिन बस जानना चाहता हूँ तुझे बुरा नहीं लगा ना, हमारी गलती नहीं थी फिर भी। अरे गोली, दादाजी ने मुझे सिखाया है, जब हमारी गलती हो तभी हमें उसका दुख और अफसोस होना चाहिए। और पता है कि उस गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए, बड़े जब हमें डांटे तब उसका बुरा नहीं लगना चाहिए, चाहे हमारी गलती हो या ना हो, ये दादाजी ने मुझे भी सिखाया है। तो फिर तू टेंशन मत ले, और वैसे भी भिड़े अंकल को उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग रियलाइज हुई ना, तो उन्होंने हमें सॉरी भी तो बोला, तो बस बात खत्म। हाँ, एक्चुअली भिड़े अंकल से ये सीखना चाहिए, हमारी जब गलती हो तब सॉरी तुरंत बोल देना चाहिए। अच्छा ये सब छोड़, ये बता सोनू कहाँ है? हाँ यार, मुझे क्या लगता है पता टप्पू, तो भिड़े अंकल ने जो बिना वजह हम पर इल्जाम लगाया ना, उस बात का सोनू को बुरा लगा है, वो शायद ऑकवर्ड फील कर रही है। अरे यार सोनू भी कमाल है, उसे पता है टप्पू ये सब बातें माइंड नहीं करता, फिर भी ऑकवर्ड फील कर रही है। टप्पू मैं क्या बोलता हूँ, हम सोनू से बात करते ताकि वो गिल्टी कम फील करे। नहीं नहीं गोली, हम सोनू के साथ ऐसे रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वो अपने आप चिल हो जाएगी। हाँ, और चल भिड़े अंकल हमसे होली का हिसाब मांगे, उससे पहले हम उन्हें जाकर होली का हिसाब दे देते हैं। परफेक्ट, तो चल हिसाब करके भिड़े अंकल के घर चलते। हाँ, चल आ जा। ना अच्छे से नहाया, फिर भी नाखून में कलर तो है ही। ये लीजिए बेसन के लड्डू। अरे वाह, बेसन के लड्डू मेरे फेवरेट। अहो अहो, ये आपके लिए नहीं है, टप्पू सेना के लिए। क्यों क्यों वगैरह का ही नहीं, ये डिब्बा आप टप्पू सेना को देकर आइए और सॉरी बोल के आइए बच्चों को। गलती आपकी थी, लेकिन सोसाइटी में हंगामा कितना किया आपने टप्पू सेना के विरुद्ध, और अपनी सोनू को भी कितना बुरा लगा इस बात का। आपको ना कभी कभी गुस्से में। बस करो माधवी, मैं पहले से उस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे और गिल्टी फील मत कराओ। मैं जाता हूँ और ये लड्डू अपने हाथों से टप्पू सेना को खिलाता हूँ। हाँ तो खिलाओ। अरे क्या बड़ा यार, भिड़े अंकल आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी सोसाइटी में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। ऐसे नरिता कौन? कुछ नहीं भिड़े अंकल, सोसाइटी में हमेशा मस्ती और शरारत तो हम टप्पू सेना ही करती है, इसीलिए हमें पता है कि कुछ भी होगा तो सबसे पहला नाम हमारा ही आएगा। भिड़े अंकल प्रायश्चित तो कीजिए। मतलब लड्डू की लाई है? हाँ बाबा, हाँ ये पूरा का पूरा डिब्बा ले लो, तुम लोग के लिए है। ये लीजिए भिड़े अंकल, होली का पूरा हिसाब। अच्छा सब कुछ बजट के अंदर हुआ भिड़े अंकल, डोंट वरी, आप चेक कर लीजिए। हाँ शाबाश। वैसे भिड़े अंकल सोनू कहाँ है? हाँ सोनू, 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 हाय फ्रेंड्स, हाय हाय सोनू, हम बाहर चॉकलेट मिल्कशेक पीने जा रहे हैं, तू चलेगी? चला। हाँ हाँ जाना बड़ा जा। थैंक यू, आई लव यू मामा। बाय 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 आंटी, बाय। हाँ सावकाश सावकाश। माधवी मिल्कशेक पी के आ जाएगी वापस सोनू, जाने दीजिए ना, इतना क्या है? अरे एक मिनट, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं हाँ ही बोलने वाला था उसे। काय समझता फरोज मां, हिसाब बगा हिसाब। हाँ बोलने वाला। दोस्तों गोकुल धाम के बड़े और टप्पू टोली ने बड़ी धूम धाम से मनाई होली। मुसीबत ने खेली गोकुल धाम में आंख बिचोली, रिश्तों पर चल गई इल्जाम और नाराजगी की गोली, हो गई जेठालाल और भिड़े के बीच कड़वी बोली, ऊपर से आ गई गोकुल धाम में पुलिस तो यहाँ की धरती डोली, नटखट है गोकुल धाम की किस्मत और साथ में है भोली, सारी मुसीबतों के बाद हंसी और खुशी से भर दी गोकुल धाम की झोली, यहाँ दोस्तों हो गई गोकुल धाम की होली। अब गोकुल धाम में कौन सा नया तूफान आने वाला है, टेंशन हास्य और मनोरंजन कौन सा नया रूप लेकर गोकुल धाम में आने वाले, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। मजा आ जाएगा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.